पहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक हो। आपको ये खुशियों का दिन, जिस दिन ये पाकिस्तान बना, पाकिस्तान कायम हुआ, आप सबको बहुत मुबारक हो। और हमें ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी आज़ादी का दिन हमें मनाते हुए ये ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि ये हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना पाकिस्तान है। अगर ये पाकिस्तान ना आज़ाद होता, इलादा ना होता, पाकिस्तान ना बनता, तो हमारे लिए कितनी मुश्किलात दरपेश आती। तो इसकी हमें कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि कायदे आज़म ने और मुस्लिम लीग उनकी उस वक्त पार्टी ने जो स्ट्रगल की और पाकिस्तान हासिल करने के लिए, उसको हमें सलाम पेश करना चाहिए, सलूट करना चाहिए। और वो दिन और वो लीडर्स को हमें हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने हमें आज़ाद कराया, क्योंकि हमारा इंडिया के साथ जॉइंट उस रिलेशनशिप में रहना बहुत मुश्किल था। सो ये मुसलमानों के लिए मुल्क बना और हमें इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और बाकी भी जो कौमें यहाँ बसती है, माइनॉरिटीज़, उन वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको भी हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, प्यार देना चाहिए और उनको भी हमें एक शहरी समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। तो आवाम के नाम को पैगाम वापस आवाम लोगों के लिए मेरा यही पैगाम है, ख़ास तौर पर पिंडी के वासियों के लिए, कि आप ज़रूर मनाएं जश्न आज़ादी, मगर रिस्पॉन्सिबली मनाएं, क्योंकि हम कोविड 19 से अभी ख़तरा टला नहीं है हमारे सर से, कोविड 19 अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर हम समझते हैं कि कोविड 19 ख़त्म हो गया, आप देख लें, फिगर्स देख लें, दुनिया की फिगर्स देख लें, ठीक है, खुशी का दिन है, हमें खुशी मनानी चाहिए, तो कोविड 19 से अभी हम आज़ाद नहीं हुए, हमें ख्याल रखना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs मेंटेन करने चाहिए। बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी शफीक कुरैशी की ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक। अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें